दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों फिलिप्स के फ्लेक्सिबल फिट एयरफोन्स की, जिनका नंबर है दोस्तों SHS 3300। और ये दोस्तों मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और कैसा है इसका लुक। तो चलिए सबसे पहले इसके अगर हम बॉक्स की तरफ नज़र डालें तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में है दोस्तों, एक नॉर्मल जैसे कि एयरफोन्स होते हैं। और इसके पीछे अगर हम कंटेंट देखें बॉक्स के, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिखाया है और यहाँ पर दिखा रखा है कि ये इंडियन रिटेल यूनिट है। और इसमें जो इसका 599 प्राइस दिखाया हुआ है दोस्तों, तो ये आपको 599 तो नहीं पर हाँ 500 या 550 रुपीज़ अराउंड आपको अमेजोन पे पड़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ख़रीदना तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसके बारे में समझ सकें कि ये है आपके खरीदने लायक या नहीं। साथ ही में इसमें 1.2 मीटर्स की आपको लॉन्ग वायर मिल जाती है और 3.5 mm का जैक है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि अंदर बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एयरफोन्स जो कि एक प्लास्टिक में कवर हैं, और साथ ही में यहाँ पर बॉक्स में इसको यूज़ करना कैसे है वो बताया गया है दोस्तों, तो आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम मैं इसको बाहर निकालूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि वायर क्वालिटी एकदम नॉर्मल वायर है दोस्तों, और ये कुछ इस तरीके से पैक है। तो इसको मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं वायर सेफ काफ़ी लंबी है सही में, 1.2 मीटर्स की है ये। और वायर क्वालिटी यहाँ पर आपको ऑल ओवर ठीक ठाक मिल जा रही है, मतलब नॉर्मल है। और इसको टेंगल फ्री तो हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों, टेंगल फ्री तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो टेंगल तो हो रही है ये तो, पर ऑल ओवर ठीक है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसकी, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल दिखने में लग रहा है। अब यूज़ करने में कैसा है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। यूज़ करके इसको कुछ दिन मैंने इसको यूज़ किया है, तो मैं उसका भी आपको पूरा फुल फ्लैश रिव्यू दूंगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका जो एयरफोन है वो आपको कुछ मेटेलिक बॉडी में मिलता है। और ऑल ओवर इसकी साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं साउंड, चलिए मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, मतलब आवाज़ इसकी अच्छी है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है और बेस भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है दोस्तों, तो ठीक ठाक सा साउंड है इसका दोस्तों। पर अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने इसको कई तरीके से लगाने की कोशिश की पर अगर मैं थोड़ा सा भी दोस्तों अपना सर हिलाता हूँ या फिर दौड़ता हूँ, जैसा कि इस पर दिखाया गया है कि ये मतलब स्पोर्ट्स फिट है या ऐसा कुछ है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत ही फिसल के गिर जाता है। और कान में बिल्कुल ही कंफर्टेबल ही नहीं था दोस्तों, मतलब इसे देख के लग रहा था कि ये जो हुक हैं दोस्तों ये आपके कान में इसको रोके रखेंगे और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और अच्छी साउंड आपको प्रोवाइड करा पाएगा, पर ये कान में रुकता ही नहीं है और बार बार फिसल के गिर जाता है दोस्तों। तो मेरे को तो ये हेडफोन मतलब ठीक नहीं लगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को इसे ख़रीदना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूँ, पर अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और साउंड क्वालिटी दोस्तों बिल्कुल भी बेकार नहीं है, साउंड अच्छी है इसकी, साउंड को तो मैं बिल्कुल भी सही कहूँगा कि मतलब 10 में से 8 नंबर इसको मिलेंगे साउंड में से। तो साउंड तो ठीक है, बेस भी ठीक है, पर कंफर्टेबल उतना नहीं है और उतना मज़ा नहीं आता है इसको पहन के दोस्तों, तो मैं इसको उतना ठीक नहीं कहूँगा, पर ऑल ओवर ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के